हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम वॉइस करेंगे। वॉइस क्या है? वॉइस वर्ब का एक फॉर्म है जो ये दिखाता है समथिंग इज डन बाय सब्जेक्ट और समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसको दिखाती है, और पैसिव वॉइस के अंदर कि सब्जेक्ट के साथ क्या किया गया है वो शो किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल है। अगर हम इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसका पैसिव होता है ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। इनको चेंज करने के लिए हमारे जनरली तीन रूल होते हैं, जो टेंस यूज किया जाता है वर्ब के अंदर वहां पे हम बी की फॉर्म को यूज करते हैं। जैसा इस वर्ब के साथ किया गया वैसा हम चेंज करते टाइम बी के साथ करेंगे। सेकंड रूल है यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जो थर्ड एंड फाइनल रूल है कि हम बाय लगा करके सब्जेक्ट से इसको डिनोट करते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं हम उनका वॉइस कैसे चेंज करेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि राधा वर्सेस क्लोथ्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। हम इसको चेंज करके देखेंगे पैसिव वॉइस के अंदर और क्या क्या रूल हमने अप्लाई किया इसके ऊपर। तो फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे क्लोथ्स, उसके बाद जो वर्ब है यानी कि जो टेंस है जिस फॉर्म में उसमें हम बी का रूप यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है तो हम बी यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इज एम आर। तो क्लोथ्स प्लूरल नाउन है तो हम आर से डिनोट करेंगे आर। उसके बाद सेकंड रोल पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉस। उसके बाद फाइनल रोल यानी कि बाय लगा करके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहां पे राधा, ये हमारा पैसिव वॉइस। इसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि दे आर प्लेइंग ए मैच। इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, वर्ब के बाद जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट उसको आगे लेके आएंगे ए मैच इज एम आर का यूज है। यहां पे प्लूरल था तो यहां पे सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इज। उसके बाद जो वर्ब के साथ किया गया है वो हम बी के साथ करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी तो हम बी के साथ आई एन जी लगाएंगे यानी कि बीइंग। और उसके बाद सेकंड रोल पास्ट पार्टिसिपल्स यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले बाय लगा करके, यहां पे प्रोनाउन है दे हम इसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में तो यहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है डेम के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे सी हैज रिटन ए लेटर। यहां से हम फिर से ऑब्जेक्ट को उठाते हैं
लेटर, सिंगुलर नाउन है तो हैज का यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो हम यहां पे बी की थर्ड फॉर्म ले रहे हैं। जो यहां पे वर्ब के साथ किया गया है वो हम बी के साथ करेंगे, तो बी वाज बीन थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि रिटर्न। उसके बाद बाय से विल बी कन्वर्टेड इनटू हर, सी चेंज हो जाता है हर के अंदर। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसको हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल जो पास्ट टेंस होता है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एक किसी का sang a song, ऑब्जेक्ट उठाएंगे है song, सेकेंड फॉर्म यूज की गई है वर्ब की, तो यहां पे बी की सेकेंड फॉर्म, बी की सेकेंड फॉर्म होती है was या were। यहां पे सिंगुलर नाउन है तो हम यूज करेंगे was। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल्स यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म sing sang sung। उसके बाद बाय लगा करके शीता एज इट इज। नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही वॉज वाटरिंग, वाटरिंग यानी पानी देना, He was watering the plants। तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे the plants। वर्ड यूज किया गया है तो प्लूरल आ जाएगा, तो यहां पे हम यूज करेंगे वर्ब। उसके बाद जो वर्ब के साथ किया गया है वो हम बी के साथ करेंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो बी के साथ आईएनजी यानी कि बीइंग। After that, past participles, third form of the verb, watered, by he will be converted into him। Next, past perfect tense। Past perfect tense का एक example हम लिखते हैं कि past perfect tense को हम कैसे change करेंगे। For example, he had taken the lunch को subject बना देंगे, had as it is रहेगा। उसके बाद third form of the verb, be की third form use करेंगे been। past participle as it is taken, by लगा करके he को convert कर देंगे him के। next आता है past परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते यानी कि जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। एग्जांपल लेते हैं, ही विल पेंट द डोर। ऑब्जेक्ट उठाएंगे द डोर, विल एज इज रहेगा क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, अदरवाइज सबके साथ विल और शैल का हम यूज कर सकते हैं, इतनी कोई बाउंडेशन यहां पे नहीं होती, सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं। द डोर विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब मोडाल आया हुआ है तो हम जो ओरिजिनल वर्ब की फॉर्म है यानी कि बी, इसी को हम यूज करेंगे बी। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल्स यानी कि थर्ड फॉर्म पेंटेड, बाय ही को चेंज कर देंगे हिम। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको भी हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते।
उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस से एक्टिव वॉइस है तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? जैसे दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। यहां वर्ब के बाद क्रिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट है, उसको आगे ले आएंगे। क्रिकेट मोडल है, विल हेल्पिंग वर्ब भी होती है। उसके बाद हैव एज इट इज रहेगा, जो वर्ब के साथ किया हुआ है वही अपना जो फर्स्ट रूल लगवाया हुआ, यानी कि बी के साथ हम वही करेंगे जो वर्ब के साथ किया हुआ है। हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो बी की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, बी वाज बी। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल बाय लगा करके दे को कन्वर्ट कर देंगे हम डेन के। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, उसको भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस के अंदर। अब हम देखेंगे कि कुछ बच्चों को ये प्रोनाउन है चेंज करने नहीं आते, हम इनको कैसे चेंज करते हैं। जो प्रोनाउन है इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, माय, मी, वी, आवर, अस, यो, योर, यू, हे, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही सी इट और दे वाला थर्ड पर्सन। यानी कि जो खुद के ऊपर हम लेते हैं, मैं, हम, फर्स्ट, सामने वाला, तुम, आप, सेकंड पर्सन, कोई हमसे दूर है, ही लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, सी कोई जानवर है, निर्जीव चीजें हैं, इट यूज करेंगे। अगर संख्या ज्यादा है उनकी तो हम यूज करते हैं दे। जैसे कि वो इसके अंदर हमने देखा कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो यहां से ऐसे ही होगा कि जो सब्जेक्टिव नाउन है उसको हम चेंज कर देंगे यहां ऑब्जेक्ट के रूप में, आई विल बी कन्वर्टेड इनटू मी, वी को कन्वर्ट कर देंगे अश में, यू को यू में, ही हिम के अंदर हो जाता है, सी हर के अंदर, इट इट के अंदर ही, और दे को हम कन्वर्ट करते हैं देम के अंदर। अब यहां कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि यू है और इस यू है इसके अंदर क्या फर्क है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम समझ में आएगा कि यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प मी या यू हेल्प्ड मी, कि आपने मेरी सहायता की। अगर मैं इस यू को पीछे लेके जाता हूं तो यह मीनिंग चेंज हो जाता है, आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की। यहां सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यहां ऑब्जेक्ट के रूप में, सेंस भी इनकी अलग बनती है। यानी कि हम देखेंगे कि अगर वर्ब से पहले है फिर ये सब्जेक्ट वाला है, और अगर वर्ब के बाद है तो ये वाला है। बीच वाला जो प्रोनाउन होता है ये होता है पोसेसिव, जब हमें कुछ जोड़ के दिखाना है, माय हाउस, आवर नेशन, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, योर कार, तुम्हारी कार, हिज फादर, उसके पिताजी, हर सिस्टर, उसकी बहन, इट्स, जैसे कि मान लिया कि हम काउ से रिलेट करें, इट्स टेल, इसकी पूंछ, और देयर, जैसे देयर फॉर्म, उनके घर, ये देयर बुक्स, उनकी किताबें। ये अपना जो जनरल रूल है चेंज करने के लिए, और शायद अब इन ये तीन रूल याद हो चुके होंगे, मैं इनको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर टेंस की बजाय हमें मोडाल से जोड़ करके दे दिया जाए, ऑक्सिलरी वर्ब जहां पे दी हुई हो उनको हम चेंज कैसे करेंगे। जैसे कि
आपको पता है मोडाल होते हैं मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड. अगर वो आ जाते हैं तो हम उसको चेंज कैसे करते हैं? एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू मस्ट फिनिश दिस वर्क. इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर. वर्ब के बाद जो दिया हुआ है दिस वर्क, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे दिस वर्क. जो मोडाल है वो एज इट इज रहेगा. उसके बाद जो वर्ब के साथ किया हुआ है वो हम बी के साथ करते हैं. तो मोडाल के बाद मैंने बताया था कि ओरिजिनल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आती है, यानी कि हम यूज करेंगे यहां पे बी. उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म फिनिश. उसके बाद थर्ड रूल बाय लगा करके यू को हम चेंज कर देते हैं तो ये वाला यू बन जाता है बाय यू. इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे कि आई लिफ्ट दिस बॉक्स. वर्ब है यहां पे लिफ्ट, इसके बाद वाला जो उठाएंगे आगे आएगा दिस बॉक्स. सॉरी यहां पे है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. दिस बॉक्स मोडाल एज इट इज रहेगा कैन. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे यानी कि बी ही आएगा. मोडाल के बाद ओरिजिनल फॉर्म आती है. उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय फाइनल रूल आई विल बी कन्वर्टेड इनटू मी. एक और एग्जांपल करते हैं मोडाल से ही. यू शुड टेक एन अम्ब्रेला. तो यहां से ऑब्जेक्ट उठाएंगे एन अम्ब्रेला. मोडाल है शुड फर्स्ट फॉर्म यानी कि एज इट इज जो बी है वो, और पास्ट पार्टिसिपल टेक टुक टेकन बाय यू. ये एग्जांपल थे मोडाल से जोड़ करके कि जब मोडाल वाले एक्टिव वॉइस हैं तो हम उनको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे. इसके बाद आते हैं कि वो सेंटेंस जो नेगेटिव फॉर्म में होते हैं उनको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे. नेगेटिव फॉर्म में जैसे कि डू नॉट, डजंट या फिर डिडंट वाले होते हैं उनको हम कैसे करते हैं. इसके बाद है एग्जांपल लेते हैं हम. लायंस डू नॉट ग्रास. चेंज करेंगे डू नॉट ईट ग्रास. ग्रास आगे आ जाएगा. डू फर्स्ट फॉर्म में, बी के फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे यानी कि इज एम आर. ग्रास सिंगुलर में काउंट होता है. ग्रास इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल्स यानी कि ईट एज ईटन बाय लॉयंस. एक एग्जांपल हम और लेते हैं. मोहन डिड नॉट वॉटर प्लांट्स. यहां से हम प्लांट्स को आगे लेके आएंगे. डिड सेकेंड फॉर्म में यानी कि बी वाज. वाज यहां पे यूज होगा लेकिन प्लूरल है तो हम यूज करेंगे वर्ब नॉट. उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाटर बाय मोहन एज इट इज रहेगा. ओके थैंक यू. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं.